Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too. End screen. यानी अभी आपने जो थंबनेल में देखा है, यदि आपको बिल्कुल वैसा ही करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। तो गाइस यार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंड स्क्रीन एनिमेशंस कैसे लगाते हैं अपने लास्ट की वीडियो में। तो यार उसे स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। आप क्रोम को ही यूज़ करना है आपको, और कोई ब्राउज़र नहीं। यहाँ पे आके आपको YouTube सर्च करना है। यदि YouTube इस तरीके से नहीं खुलता है तो आप जो ऊपर URL दिख रहा है आपको HTTPS, आप उसे कर लीजिए। फिर आपको Chrome के 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे जाना है। तो आपका जो यहाँ पे इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जैसा भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया है, बिल्कुल पीसी की तरह लग रहा है आपके। फिर आपको अपने चैनल के आइकन पे क्लिक करके क्रिएटर स्टूडियो में जाना है। क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पे आपका ये अगला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको डैशबोर्ड के नीचे वीडियो मैनेजर में जाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे आप कोई और फ़ोन में देखिए वीडियो और अपने फ़ोन में फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे जो मेरी वीडियो आ रही है, मेरे को इसे एडिट पे क्लिक करना है मेरे को। तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका लिखा होगा एंड स्क्रीन एंड एनोएशंस। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से। फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू जो बटन है आपको उसको ऑन करना होगा सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो आप पूरी शायद से ख़त्म कर दें। आपको ख़त्म करना पड़ेगी वीडियो को, आप लास्ट तक कर दीजिए पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको यूज़ टेम्पलेट लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आ जाने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि हमको कौन सा चूज़ करना है, एक सब्सक्राइब बटन या एक वीडियो, दो वीडियोज़ या एक सब्सक्राइब बटन। आपके सामने बहुत हैं, मैं यहाँ पे ये इनमें से कोई सा भी ले लेता हूँ। इनमें सब में 2 वीडियोज़ और 1 सब्सक्राइब का बटन है, मैं इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ। तो लीजिए, मैं ये वाला कर लेता हूँ लेफ़्ट साइड में। फिर ये करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे सेव बटन है, सेलेक्ट बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपकी वीडियो अपने आप खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए तो गाइस आप पॉज कर दीजिए उसको। तो यहाँ पर इसको मैंने लास्ट तक कर दिया है। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे ये जो नीचे आपको ब्लू लाइन दिख रही है इसे आपको वहीं सरकाना है जहाँ पे आपको एंड स्क्रीन एनिमेशंस चालू करना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। मैंने लास्ट इंट्रो टेम्पलेट लगाया था, जो आउट्रो टेम्पलेट होता है मैंने वो भी लगाया था। यह देखिए, ये वाला जो इंट्रो टेम्पलेट है, आप मेरी वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखिएगा, आपको एक टेम्पलेट मिलेगा उसी के हिसाब से। यहाँ पे देखिए 5वें मिनट पे ही मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो मैं ये वीडियोस को उठा के उनके हिसाब पे सेट कर देता हूँ। आप इन्हें मूव कर सकते हैं, जो आपकी जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आप इसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे बॉक्स हैं टेम्पलेट में, जो मेरी वीडियो में खाली बॉक्स थे, मैं उसमें ये जो ब्लैक स्क्रीन है जो अभी हम लगा रहे हैं उसे हम जोड़ देते हैं। और जो अभी देखिए आप वीडियो आगे पीछे हो जाए तो गाइस वहीं पर कर दीजिएगा जहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पे आप एकदम अच्छे तरीके से प्रोफेशनल कीजिए, मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे आपको जहाँ से चालू करना है आप उसी टाइम पे रखिए। तो ये देखिए एकदम बीच में आ जाएगा, वीडियो आगे पीछे हो जाती है गाइस, तो मुझे उस हिसाब से पता नहीं चलता है कि मेरा टेम्पलेट कहाँ पर था। सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल वहीं पर लगाना है आपको गोले में। यदि गाइस आप पे टेम्पलेट नहीं है तो आप सिंपल वैसे भी लगा सकते हैं बिना किसी उसके टेम्पलेट के। तो आप, मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में एक चीज़ दिख रही होगी, चूज़ अ वीडियो, यानी आपको 2 वीडियो सेलेक्ट करनी है। तो आप ये पेंसिल के आइकन पर क्लिक कीजिए और आपको जो वीडियो सेलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर दीजिए उसे। तो मैं ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप ज़रूर ये वीडियो मेरी वॉच कीजिए, मेरे उस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ डली हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको दूसरी वीडियो जो है उसके साथ भी, अभी आप देखिए ये वीडियो आ चुकी है पहले, अब आप दूसरे पेंसिल के आइकन पे भी क्लिक करके, सॉरी गाइस वो ही क्लिक हो गया, फिर से कैंसिल कर देता हूँ।
ऊपर वाला जो वीडियो अनेबल बता रहा है उस पर आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है और आपको जो वीडियो सिलेक्ट करनी है आप उस पर क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। इस मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे गाइस आपके दोनों लग जाएंगे और सब्सक्राइब के बटन में आपको कुछ नहीं करना है, वो ओरिजिनल सब्सक्राइब बटन है। फिर गाइस आपको क्या करना है, आप एकदम देख लीजिए आपने सही जगह लगाया है कि नहीं। यदि आपके पास टेम्पलेट है तो, यदि नहीं है तो गाइस आप 10 सेकंड पहले 20 सेकंड पहले इसको लगा सकते हैं गाइस। तो यार एक तरीके से पूरा लग चुका है। अब आपको सेव कैसे करना है, यहाँ पर राइट साइड में सेव का बटन है, आप सेव पर क्लिक कर दीजिए, सेव हो जाएगा। तो गाइज़ हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैंने उसी वीडियो को लास्ट में YouTube पे ओपन कर लिया है और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। लीजिए गाइज़ ये वर्क कर रहा है, अभी आप इन पे क्लिक कर लीजिए, ये टच नहीं होंगे क्योंकि ये मैंने वीडियो में चलाए हैं। तो गाइज़ ये फिलहाल बफरिंग हो रही है। और गाइज़ आज के लिए मैं आपको यही बताने वाला था, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज़ आज की वीडियो में आपको पसंद, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय।